कारा पोंगल बनाने के लिए एक ग्लास चावल में आधा ग्लास मूंग की दाल को थोड़ा गर्म किया है और दोनों मिला के एक कुकर में डाल के 6 गिलास पानी डाल के उसको ऐसा चावल बना लिया है। तो इसके लिए जो सामग्री चाहिए, नारियल 1 गिलास, हरी धनिया काट के लिया है और काली मिर्ची जीरा दरदरा कूट लिया है, अदरक, एक इंच अदरक, ग्रीन मिर्ची 4-5 ग्रीन मिर्ची, कड़ी पत्ता, एक टमाटर ऐसा छोटा छोटा काट लिया है। वैसे टमाटर नहीं डालते लेकिन मुझे अच्छा लगता है, ये कलर भी अच्छा होता है और टेस्ट भी अच्छा दिखता है, पोंगल में लुक भी देता है। अभी इसको चोंक लगाएंगे। तेल डाल रही हूँ, 1 स्पून घी, घी से पोंगल अच्छा रहता है, जिसको खिचड़ी भी कहते हैं। थोड़ा गरम होने देंगे। राई, जीरा, जीरा और हींग, कड़ी पत्ता, राई, जीरा, हींग, करी पत्ता, ग्रीन मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी डालते हैं। इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। जो काट के रखा है ना टमाटर, वो टमाटर भी डाल दिया। 1 मिनट के लिए इसको अच्छा से पकाते हैं। देखो टमाटर गल गया। अभी इसको जो चावल बॉईल करके रखा है ना उसमें शिफ्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा इस कढ़ाई में पानी डाल के भी डालेंगे, गरम पानी डालेंगे। जो काट के रखा था नारियल और हरी धनिया वो भी डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक, 1 गिलास पानी, गरम पानी कढ़ाई में डाल के वो भी डाल दिया है। अभी इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए अच्छा मिक्स हो रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रहने से अच्छा रहता है। इसको 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। पक गया है। अभी इसको सर्विंग बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। गार्निश के लिए काजू बादाम को घी में भून के इसके ऊपर डाल रही हूँ। कारा पोंगल रेडी।